रहमान रहीम, आज का ये पाकिस्तान पिस्तौल शहीद भुट्टो का एहतजाज इन्हीं चोरियां डकैतियां ये जो बच्चे अगवा हो रहे हैं सिंध के उनके खिलाफ है। हम हुकूमत वक्त से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि इनको फिल फोर बंद किया जाए, ना तो पाकिस्तान पिस्तौल शहीद भुट्टो का हर वर्कर रोड रस्तों पे होगा इनके खिलाफ। कच्चे में ऑपरेशन इसलिए नहीं हो रहा कि कच्चे के जो हमारे जो हैं जो सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं, सिलेक्टेड हैं या इलेक्टेड एक ही बात है, तो इलेक्टेड ही वो जो है उसी वजह से वो उनकी पुष्ट पनाई कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, एक एमएलए एक असर लेकर आया था, वो असर लेके यानी वो क्या था कश्मीर की से मामला किया था, उसको किस तरह देखा, ये बताइए। मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी कि जरदारी लीग इन सारे गलत कामों में मुलविस है, इनकी पुष्ट बनाई है, जरदारी लीग कर रही है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है। इसको लगाम आप और हम लगाएंगे, हर वो गैरतमंद आदमी लगाएगा जो जिसको जिसके सीने में दर्द है इन गरीब आवाम का। ये कि हमारे सिंध में अगवा तावान साफियों के कत्ल, लोगों के आम रोज के कत्ल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है, और जहाँ एमपीए की गाड़ियों में असला डाकुओं को मिले और एमएलएस की गाड़ियों में जाए, हुकूमत सिंध उनकी सपोर्ट करे, तो नाल और कातिल हुकूमत पे हम लानत भेजते हैं, वो इस अमल में मुलविस है। और हम उनको मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल से लेकर आज प्रिया कुमारी, नबी लाशारी, नसरुल्लाह गडानी और तमाम साफियों के तमाम कत्ल में मुलविस समझते हैं, और इस तमाम कत्ल में शामिल जरदारी कराची का मसला कराची है। कराची में मामला में दो चार चीजें हैं जहां आईजी सिंध ने, डीआईजी एडिशनल आईजी ने कहा है कि कराची की सूरत हाल को हम कंट्रोल कर रहे हैं, जहां आपके पास अफगानी मौजूद हो, जहां आपके गैर मुल्की मौजूद हो, जहां आपको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ना हो, जहां वजीर आला सिंध घर में सा ना हो, उसको कुछ पता ना हो, तो कराची की आवाम जब तक एक नहीं होंगे कराची हमारी नहीं सुधरेगी, ना ही कराची में अमन बहाल होगा। समझता हूँ कि कराची को अगर अमन अमान बहाल करना है, कराची के मसाले हल करना है, तो कराची की आवाम मुत्तहिद हो और एक पार्टी के तले हम समझते हैं कि जरदारी लीग को खत्म करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के परचम तले आए, और हम वादा करते कि हम कराची से लेकर कश्मीर तक अमन अमान बहाल करेंगे, लोगों को रोजगार भी देंगे, उनके मसाले भी हल। बाजार 2.5 लाख से लेकर 25 लाख तक जो एसएचओ पैसे देता है, अल्लाह के बंदे वो एसएचओ कमाने के लिए आएगा, वो आपके अमन अमान के लिए नहीं आएगा।